हम बदल देंगे देश को। और वहां जाके सैंडलें और चप्पलें उठाने वाला। एक आईएएस मुझे बता रहा था कि कैबिनेट में मैडम को लेके आए थे, मतलब नशा करके, कैबिनेट से पहले नशा कर लिया था तो लाके बिठाया कुर्सी पे, तो कहा भाई ऐसा करो कोई वीडियो वगैरह तो बनाओ मत, एक बार जो भी कहती करा करो लो साइन वाइन कि क्यों लाया मुझे, किसने रखी कैबिनेट, कि मैडम आपने रखी, हट झूठ बोलते, मैंने कब रखी। तो बहुत ज्यादा कई बार क्या दिन में ज्यादा पी लेती थी, 8 PM नो CM सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त उठा के लाते, हर समाज को राजी करे, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी समधन हूँ, कोई नहीं सुनो तो कहते मैं आपकी बहू हूँ ये हूँ। अरे ऐसे कोई थोड़े ही होता है, वो तो फेरे तो एक के साथ ही लिए जाते हैं भाई, अपने पति को छोड़ के बेचारे को, उसकी क्या हालत की तुम्हें पता, कभी मिला उसके पति से, कभी जाके उसकी पीड़ा सुनना। मेरे को कहा उसने एक बार, हनुमान जी मैंने कहा आप चलो प्रचार में हमारे साथ, बता दो कि मैडम आपकी नहीं हो सकी तो रास्ता, बोले मैं तो नाम ही नहीं लूंगा, वो मुझे मरवा देगी। वो तो कितना डरावा था बेचारा खोप के अंदर, फिर भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, लोग उसके ही पैर छूते थे, उसकी सैंडल उठाते थे, उसकी साड़ियां ड्राई क्लीन कराते थे, यहाँ आके जोर जोर से कहते थे हम बदल देंगे देश को, और वहां जाके सैंडलें और चप्पलें उठाने वाला। नेता तो आजकल ऐसे हो गए, अगर डंकी घड़ी पहन के चले जाओगे तो कहते घड़ी कहां से ली, दिखाना ये मेरे पास छोड़ जा तू दूसरी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कई मंत्रियों को नाम से नहीं जानते, मैं तो इस किस्से का गवाह हूं। एक राज्य मंत्री का नाम, मैं प्रधानमंत्री के पास बैठा था, एक राज्य मंत्री का नाम आया, बोला कौन है, बोले साहब राज्य मंत्री हैं, कब 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 अभी बनाया पहले वाले में, बोले अभी का ठीक है इसको बाद में बोलवा लेना। ये हालात देश के राज्य मंत्रियों की है, और लोग यहाँ चौड़े होकर कहते हैं क्या भाई साहब कब शपथ ले रहे हो, हाँ हाँ मेरा नंबर आ रहा मंत्रिमंडल में, क्या कर लोगे मंत्रिमंडल के अंदर, जूते उठाने तो यही उठा लो किसानों के, बोर्ड तो आप डालते हो, मोदी थोड़ी डाल रहा बोर्ड लेना। ये कड़ा कहां से बनाया, बोले साहब ये तो मेरे ससुराल से मिला था, कितने तोले का, 2.5-3 का, यहाँ कर वो बयान दे दे तू दूजो कड़ो ले लीजिए 2.5-3 तोले कड़ा, गाड़ी कौन सी है आपने यार तू करा, अच्छा बजरी का साहब मेरा एक छोटा सा काम है लीजिए आप मदद कर दो, कितनी बचत होती बजरी में, बोले साहब 2-3 लाख, ऐसा कर मेरे भतीजे को उसमें 15% रख रहे बजरी की चला तू आराम से, धंधा कर रहे नेता, कहां नेता बच्चे बताओ, ये नेता है जो जो अरबों खरबों कमा रहे हैं आपसे, और आपको जरूरत पड़ती है स्विच ऑफ जिनका मिलता है, ऐसे नेताओं को घर भेजो, नए लोगों को लाओ, अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो, और नहीं तो व्यवस्था चलती रहेगी, तभी इस तक तो मैं लड़ूंगा, 13 में शुरुआत करी थी, 13 में बनाऊंगा मोर्चा, बनाऊंगा लड़ता रहा, निकला पूरे राजस्थान के अंदर, 18 में कुछ लोग मेरे साथ आए थे, मीणा समाज के आए, ब्राह्मण समाज के आए, कुछ और भी आए, 18 में मुझे छोड़ गए, चले गए वापिस हो चुनाव से पहले, कुछ बाद में चले गए, 23 में लड़ रहा हूं, और सर्व समाज के नए नेता तैयार करने का प्रयास करूंगा, दूसरे दर्जे के नेता तो मेरे पास है सेकंड पीढ़ी के, तो कितने 50,000 वोट लिए, कितने 45 लिए, 40 लिए, लेकिन पुराने घराने वो सब टिकट की लाइन में लगे हुए, धक्के खाने में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यालय के अंदर, और जब नहीं मिलती है ना तब मुझे कहते हैं कि लास्ट टाइम ध्यान रखी जो हो सके मैं थाली टिकट ले ला, बताओ अरे मुझे तो कितना मजबूर कर दिया आप लोगों ने, हाँ मैंने ठेका ले रखा सारा कोई, इसलिए पार्टी बनाई मैंने, पिछली बार चिंता कर ली थी सारे समाजों की किसानों की, अब की बार चिंता करूंगा सिर्फ राजस्थान की, जो मजबूत होंगे टिकाऊ होंगे जीताऊ होंगे उनको ही चुनाव लड़ूंगा 23 के अंदर, मैंने ठेका नहीं ले लिया किसी का।